करते हैं वर्कशीट नंबर 86 सिक्स आपकी सेकेंड क्लास की वर्कशीट है अब आपको तो पता ही है कि आपकी जो के जी टू सेकेंड वर्कशीट आती थी वो अब नहीं आएगी अब आपकी अलग से अपने क्लास के अकॉर्डिंग आपकी वर्कशीट आया करेगी चलिए तो इसे शुरू करते हैं तो आज डेट डाल देंगे आप, आप अच्छे से लेबल कर लेंगे मैथ्स की वर्कशीट है लिख लेंगे इसके अलावा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे वर्क विद नंबर अप टू हंड्रेड ठीक है आज हम हंड्रेड तक की काउंटिंग पढ़ेंगे अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे अब क्या लिखा है आओ खेल खेल ले, लेट्स प्ले अ गेम चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं अब क्या गेम है पढ़ लेते हैं पाखी अपने भाई परम के साथ एक खेल खेल रही है उन्होंने फर्श पर एक लाइन खींची जिसमें एक से लेकर बीस तक संख्या लिखी अब देखिए ये दिख रहा है आपको लाइन खींची हुई जिसमें उन्होंने एक से लेकर बीस तक संख्या लिखी है अब क्या लिखा है देखिए साथ ही कागज की तीन पर्चिया बनाकर एक से तीन तक संख्या उन पर्चियों पर लिखी है ये देखिए ये भी आपको यहाँ दिख रहा है एक दो तीन लिखा हुआ और उन्हें एक कटोरे में उन्हें एक कटोरी में रख दिया है देखिए जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है फिर उन्होंने खेल खेलना शुरू किया है परम फर्श पर खींची लाइन के शुरू में खड़ा खड़ा हो गया है और पाखी ने पहली पर्ची निकाली अब क्या है वो यहाँ पे ज़ीरो पे खड़ा हो गया है और पाखी ने पहली पर्ची निकाली तो उस पर्ची पे जो संख्या आई वो दो आई तो परम जीरो से दो कदम आगे बढ़ा तो वो दो पे पहुंच गया अब देखिए जीरो से एक कदम यहाँ थोड़ा से इसे नीचे करते ताकि आपको और आसानी से समझ में आए देखिए अब परम यहाँ खड़ा है पाखी ने जब पहली पर्ची निकाली तो उसमें उसको कितना आया दो आया तो वो दो कदम चला एक कदम दो कदम तो अब वो किस पे पहुंच गया दो पे पहुंच गया दो कदम आगे चल के संख्या दो पे पहुंच गया इस बार पाखी ने पर्ची संख्या निकाली तो पर्ची में तीन नंबर आया क्या आया तीन आया तो अब देखिए वो तीन संख्या अगर चलेगा तो तीन चार और पाँच तो कहाँ पहुंच जाएगा वो पाँच पे पहुँच जाएगा ना ठीक है तो अब वो इस बार कहाँ पहुँचा जब उसने परम ने दो से आगे की तीन संख्या तीन कदम बढ़ाए तो वो पाँच नंबर पे पहुँच गया तो यहाँ पे देखिए ऐसे ये यहाँ पे भी पाँच नंबर पे वो पहुँच जाएगा देखिए एक दो पहले चला फिर एक दो और तीन वो बाद में चला तो कहाँ पहुँच गया पाँच पे पहुँच गया ठीक है इसी प्रकार पारखी हर बार पर्ची निकालती और उस पर जो भी संख्या आती परम उतने ही बार आगे कूदता यानी जो भी संख्या आती वो आगे आगे कूदता संख्या बीस पर पहुँचने पर परम की बारी खत्म हो गई यानी जैसे ही वो बीस पे पहुँच गया वैसे ही उसकी बारी खत्म हो गई अब अब प्राची की अब पर्ची निकालने की बारी परम की थी और कूदने की बारी पाकी की थी ठीक है अब यानी अब पर्चिया कौन निकालेगा परम निकालेगा ठीक है और कूदेगी कौन उसकी बहन कूदेगी तो है ना मजेदार खेल अब ये खेल आप भी खेल सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग खेल है इस खेल को आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन के साथ खेलें और अब यहाँ लिखा नीचे दी गई तालिका को पूरा करें तो आपको ये तालिका को पूरा करना है यानी जो आपको टेबल दिया गया अब जैसे मान लीजिए आप जीरो पे खड़े हैं ठीक है सबसे पहले आप एक अच्छी सी नंबर लाइन बनवाएंगे मम्मी से ऐसे करके ये देखिए ऐसे करके आप पूरी बीस तक नंबर लाइन बनवाएंगे तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है ना ऐसा करके पूरी ट्वेंटी तक आप नंबर लाइन बना लेंगे अब देखिए अब अगर मान लीजिए आप ज़ीरो पे खड़े हैं ठीक अब कहाँ खड़े हैं आप ज़ीरो पे जीरो पे खड़े हैं अब आपका दो आया तो आप दो पे चल के दो पे पहुंच गए अब आप दो पे खड़े हैं आपका एक आया तो आप तीन पे पहुंच गए अब इसी तरह से आप लिखिए कि आप तीन पे खड़े हैं और आपका तीन आया क्या आया तीन आया अ सॉरी आप तीन पे खड़े हैं आपका तीन ही आया तो अब देखिए एक दो तीन अब आप किस पे पहुंच गए आप पहुंच गए छः पे फिर आप छः पे खड़ेंगे आप छः लिखेंगे ठीक है जब आप छः पे खड़े हैं तो आपका आया मान लीजिए एक तो आपने एक चला यहाँ आया आपका कितना एक तो अब आप किस पे पहुंच गए सात पे पहुंच गए तो आप यहाँ सात लिख लेंगे ठीक है ना इसी तरह से अब यहाँ आप लिखेंगे कि आप सात पे खड़े हैं किस पे खड़े हैं सात पे खड़े हैं ठीक सात पे खड़े हैं अब आपका दो आया कितना आया दो एक दो आपने बढ़ा तो आपका कितना हो गया ये आप किस पे पहुंच गए नौ पे तो आप यहाँ नंबर नाइन लिख लेंगे सेम इस तरह से आप लिखेंगे कि हम नाइन पे खड़े हैं और आपका आया दो ठीक है कितना आया दो तो अब आप किस पे पहुंच गए तो देखिए एक दो तो कितने किस पे पहुंच गए हम लोग इलेवन पे तो अब आप यहाँ इलेवन लिख देंगे आ रही है समझ में बात तो आप लोग इस तरह से इसे खेलेंगे और जैसे जैसे आपके नंबर आएंगे उसी तरह से आप इस टेबल को फिल करेंगे बाकी जो मैंने आपको बताया चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले थ्री लिख लें यहाँ पे थ्री लिख लें और यहाँ सेवन लिख लें दो सिक्स लिख लें फिर यहाँ सिक्स लिखें और यहाँ वन लिखे तो यहाँ सेवन लिख लें ठीक है चलिए मैं दोबारा से करके दिखा देती हूँ तो आप ऐसा करेंगे यहाँ लिखेंगे थ्री यहाँ पे भी लिखेंगे थ्री तो यहाँ हो जाएगा सिक्स फिर जब आप यहाँ लिखेंगे सिक्स तो यहाँ लिखेंगे वन तो यहाँ हो जाएगा सेवन फिर यहाँ लिखेंगे सेवन तो यहाँ लिखेंगे टू तो यहाँ कितना हो जाएगा नाइन फिर आप यहाँ नाइन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू तो यहाँ कितना हो जाएगा इलेवन तो इस तरह से आप लोग इसे लिखते रहेंगे और पूरा कर लेंगे इसको ठीक है पूरे बीस तक आपको करना है ना तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे अब देखिए यहाँ लिखा है आपका अभिभावकों के लिए यानी माता पिता के लिए है कि माता पिता बच्चे की संख्या को समझने को मजबूत करने के लिए यानी जो चीज संख्या आपको समझ में नहीं आ रही है उसके लिए आपको क्या करना है नंबर लाइन बनाना है ठीक है और उसी से दो दो अंकों के बीच की दूरी या ये सब चीज़ें बराबर करके आपको सिखानी है हु? देखिये क्या होता है ना जब हमें कोई चीज सीखनी होती है तो हम इससे बहुत आसानी से सीख सकते हैं मान लीजिए एक रुपया आपके पास पहले से था एक रुपये मम्मी ने दे दिया अब आप आपके पास कितने हो गए दो रुपये हो गए या हम कहें दो रुपये आपके बाद पहले से थे और चार रुपये आपको अंकल आके दे गए तो एक रुपया दो रुपये तीन रुपये चार रुपये चार रुपये अंकल ने दे दिए तो अब आपके पास कितने हो गए तो टोटल छः रुपये हो गए अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए छह रुपये थे कितने रुपये थे छ रुपये छः रुपये में से आपने ना दो रुपए की टॉफी खा ली तो अब देखिए एक अब हम उल्टा चलाएंगे दो दो रुपए की आपने टॉफी खा ली अब आपके पास बताइए कितने रुपए बचे तो चार रुपए बचे है ना मजेदार तो इस तरह से आप अपनी मम्मी पापा से कहेंगे कि मुझे इस तरह के और बहुत सारे ऐसे ही एग्जाम्पल्स दे के समझाएं। फिर जब आपके मम्मी पापा समझाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग